राहुल शर्मा और आज हम करने वाले हैं OnePlus 6 versus Poco F1 का एक छोटा सा रिव्यू। मेरे पास यहाँ पे दोनों के दोनों फोन है और जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने OnePlus 6 के ऊपर गैजेट शील्ड की स्किन लगा रखी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अगर आपको अपने OnePlus 6 को इतना हाथ बनाना है तो फिर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे पास है पोको फोन F1 और ये दोनों के दोनों फोन वाकई में बहुत ज़्यादा टाइम से मेरा ध्यान खींच रहे थे और मैंने दोनों को साइड बाय साइड एक हफ्ते तक चलाया है और अब मैं कंक्लूजन पे आया हूँ कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है और कौन कौन सी जगह पे पोको फोन आ गया है, कौन कौन सी जगह पे OnePlus 6 आ गया है, दोनों के कैमरा डिफरेंसेस, दोनों के परफॉर्मेंस डिफरेंसेस, आज मैं सब कुछ ए टू जेड इस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इन दोनों की प्राइस की। तो जो पोको फोन F1 है वो इससे बहुत ज्यादा सस्ता है, लगभग 15,000 का डिफरेंस है दोनों के अंदर और बहुत ज्यादा शानदार बात है। ये मेरे पास है 8GB वाला वेरियंट, ये मेरे पास 8GB वाला वेरियंट है रैम वाला और ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा शानदार डिवाइसेस हैं। लेकिन ये वाला जो वेरिएंट है इसका बेस वेरिएंट आता है 21,000 का और इसका बेस वेरिएंट आता है 35,000 का। तो अभी OnePlus 6 15,000 रुपये आगे है तो ऑब्वियसली प्राइस के अंदर पोको फोन F1 ही जीतता है। तो ऐसी कोई चीज़ें होंगी ऑब्वियसली जो कि पोको फोन F1 में नहीं होंगी और जो OnePlus 6 के अंदर होंगी। तो क्या वो वाकई में वर्थ है 15,000 रुपये महंगा या फिर आपको पोको फोन पर स्विच कर जाना चाहिए, तो आज मैं इस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन डिज़ाइन से। जो डिज़ाइन है OnePlus 6 का वो धांसू है वाकई में। इसके मैंने मिरर ब्लैक वाला वेरिएंट ले रखा है लेकिन इसके अंदर दूसरे वेरिएंट्स भी आते हैं जैसे कि मिडनाइट ब्लैक वगैरह और अभी तो इसके नए नए कलर्स भी आ रहे हैं, बीच में एवेंजर्स एडिशन भी आया था। और वाकई में कैमरा बहुत ज़्यादा शानदार प्लेसमेंट दे रखी है, फिंगरप्रिंट थोड़ा सा छोटा है लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई चलाने में। और वाकई में यार कुल मिला के जो बेजल डिज़ाइन है कोई ज़्यादा मोटी बेजल्स नहीं है, कोने में छोटी सी बेजल है, छोटा सा नॉच है इसमें, ज़्यादा मोटा नॉच भी नहीं है। तो ओवरऑल मुझे OnePlus इसका डिज़ाइन पोको फोन से ज़्यादा अच्छा लगा, जिसकी जो बेजल्स हैं वो तो मोटी हैं ही सही और जो पीछे डिज़ाइन है वो भी पॉलीकार्बोनेट का बनाया, कोई अच्छे मटेरियल का नहीं बना हुआ है। प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा बड़ा है ये बात मान ली, लेकिन ये अपने कैमरा मॉड्यूल के बहुत ज़्यादा पास है तो कभी कभार कैमरा पर हाथ पड़ जाता है, आपको थोड़ी सी आदत बिठानी पड़ेगी। और बाकी हेडफोन जैक भी इसके अंदर ऊपर की तरफ है, मैं चाहता नहीं था कि ऊपर की तरफ हो, मैं सबको नीचे से ही एक्सेस करना चाहता हूँ ताकि ऊपर का जो पार्ट है वो बिल्कुल प्लेन रहे जैसे कि OnePlus 6 के अंदर है। लेकिन इसके अंदर ऊपर की तरफ इन लोगों ने हेडफोन जैक दे रखा है, इधर की तरफ नीचे भी USB टाइप सी मिलती है, इसके इधर की तरफ भी USB टाइप सी मिलती है। और अगर मैं स्पीकर की बात करूँ तो दोनों के अंदर जो स्पीकर है वो मेरे को पोको फोन F1 के स्पीकर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे OnePlus 6 के स्पीकर्स के आगे। वाकई में आप कुछ भी देखो तो आपको एक नंबर एक्सपीरियंस मिलेगा अगर आप बिना हेडफोन्स के देखोगे। और वाकई में OnePlus 6 के स्पीकर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है जितने पोको फोन के स्पीकर हैं। तो डिज़ाइन के अंदर मैं OnePlus 6 को ही विनर मानूंगा पोको फोन के ऊपर। तो अगर अब मैं ग्रिप की बात करूँ तो ये वाला जो OnePlus 6 है ये हल्का सा पतला है पोको फोन के मुकाबले, ये थोड़ा सा चौड़ा है, बहुत ज़्यादा अजीब एक्सपेक्ट रेशियो है इसका। तो ये हाथ में पकड़ने में तो आ जाता है लेकिन इतने ज़्यादा कंफर्ट यूज़ के अंदर नहीं आ पाता जितना OnePlus 6 आ जाता है। मैं इसको आराम से पकड़ के चला सकता हूँ लेकिन इसको पकड़ने में किसी प्रॉब्लम होती है और ऐसा डर लगता रहता है कि हल्का सा कहीं फिसल ना जाए, लेकिन ये नहीं फिसला अभी तक तो भगवान की दया से। और मैं यही दुआ करूँगा कि आगे भी ना फिसले। लेकिन अगर मैं एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ तो वाकई में जो OnePlus 6 है वो वाकई में बहुत सोच समझ के बनाया गया है और वाकई में पकड़ने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई कोई अच्छा सा फ़ोन पकड़ रखा है, भारी सा बिल्ड क्वालिटी वाला, वाह सॉलिड। लेकिन पोको फोन थोड़ा सा हल्का सस्ता वाला फील देता है, ऑब्वियस सस्ता है तो फिर ऐसे फील तो देगा ही सही, लेकिन फिर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई दोनों के अंदर। लेकिन मैं अभी एर्गोनॉमिक्स में OnePlus 6 को ही विनर मानूंगा। अगर मैं बात करूँ इन दोनों की डिस्प्ले की, जो तो डिस्प्ले है वो OnePlus 6 की अच्छी है, पहले बता रहा हूँ। तो OnePlus 6 के अंदर आती है 6.2 इंच की AMOLED डिस्प्ले जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत ज़्यादा शानदार व्यूइंग एंगल्स तो देती ही है, साथ में जो बैटरी कंजप्शन है उसको भी कम कर देती है, बैटरी में बाद में आऊँगा। और जो अगर मैं बात करूँ जो अगर आप बाहर जाते हो कहीं धूप वगैरह के अंदर तो बहुत ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिलता है सब कुछ, गेम वगैरह खेलते हो, मूवीज़ वगैरह देखते हो, तो AMOLED डिस्प्ले वाकई में शाइन आउट होकर दिखाती है कि हाँ भाई मैं AMOLED डिस्प्ले हूँ और आप मेरा घंटा भी कुछ नहीं होगा सकते अगर आप IPS LCD डिस्प्ले हो, वही वाली IPS LCD जो कि अपने पोको फोन F1 में आती है। और इसके ऊपर आती है इतनी मोटी नॉच, OnePlus 6 में इतनी मोटी नॉच नहीं है, इसके अंदर इतनी मोटी नॉच है और ये जो नॉच है ये बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ से जो कि आईफोन X की नॉच का आता है, लेकिन आईफोन X के अंदर OLED डिस्प्ले आती है, उसके अंदर IPS LCD पैनल नहीं आता है। तो अगर आप इसके अंदर नॉच हाइड करने की कोशिश करोगे भी सही तो भी आपको दिखेगी क्योंकि इसके अंदर IPS LCD पैनल है। AMOLED पैनल के अंदर क्या होता है, जो भी ब्लैक जगह होती है उसकी जो LEDs होती हैं वो बंद हो जाती हैं ताकि वो ट्रू ब्लैक का एक्सपीरियंस दिखा सकें। लेकिन इसके अंदर जो ब्लैक पार्ट होते हैं, जैसे कि ये ब्लैक पार्ट है, तो इसके अंदर LED जल रही हैं जो कि ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो फिर आपको साफ दिखेगा कि हाँ यार ये ब्लैक कलर है, लेकिन वो वाला फील नहीं आएगा जो कि AMOLED
OLED के अंदर आता है। OnePlus 6 के अंदर Gorilla Glass 5 आता है, पक्की वाली बात है, लेकिन Poco 4 हो सकता है कि Gorilla Glass 3 यूज करता हो। तो दोनों की दोनों जो डिस्प्ले है वो स्क्रैच प्रूफ तो है ही सही, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि टेम्पर्ड ग्लास लगा लेना। और जो डिस्प्ले के अंदर अगर मैं विनर मानूंगा तो उसको भी OnePlus 6 को ही देना पड़ेगा। और अगर मैं कैमरास की बात करूं तो दोनों के अंदर धांसू कैमरा आते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। Poco 4 F1 के अंदर 12 मेगापिक्सल कैमरा विद F1.9 अपर्चर एंड 1.4 माइक्रोन पिक्सल डुअल पिक्सल PDAF कपल्ड विद 5 मेगापिक्सल विद F2.2 अपर्चर 1.2 माइक्रोन पिक्सल डेप्थ सेंसर का कैमरा है इसके पीछे की तरफ जो कि 5 मेगापिक्सल का है। अगर मैं Poco 4 F1 के आगे के कैमरा की बात करूं तो उसका आगे कैमरा 20 मेगापिक्सल का है, उसका भी जो अपर्चर है वो F2.0 ही है और 0.9 पे काम करता है, यूज करता है फोटोग्राफ्स के अंदर। और वाकई में मानना पड़ेगा जो Poco 4 है वो बहुत ज्यादा शानदार फोटोज लेता है, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। 30,000 के अंदर मेरे ख्याल से बेस्ट स्मार्टफोन जिसके अंदर कैमरा जो है वो एक नंबर है। वहाँ लो लाइट फोटोज भी एक नंबर आती है अपने Poco 4 F1 के अंदर। और अगर मैं OnePlus 6 की बात करूँ तो उसके अंदर जो कैमरा है वाकई में फ्लैगशिप लेवल का कैमरा है, सिर्फ पीछे का, आगे के कैमरे की बात नहीं कर रहा हूँ। आगे के कैमरे के अंदर मुझे लगता है कि Poco 4 F1 विनर है, वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार कैमरा है Poco 4 का आगे का। पीछे का कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है Poco 4 के अंदर, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार टक्कर देता है ये OnePlus 6 को। एक और बात बता दूं कि दोनों के अंदर 4K रिकॉर्डिंग आती है, लेकिन Poco 4 F1 जो है सिर्फ 30 फ्रेम पर सेकंड तक सीमित है, लेकिन अपना जो OnePlus 6 है वो 30 फ्रेम पर सेकंड पर तो खींच ही लेता है, साथ में 60 फ्रेम पर सेकंड पर भी ये एक्सटेंड कर सकता है अपनी 4K रिकॉर्डिंग। और OnePlus 6 के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा शानदार फोटोग्राफ देखने का मौका मिला है, वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार चीज़ें देखने देती हैं। और साथ ही साथ दोनों के फोन के अंदर आता है शॉर्ट ऑन OnePlus, शॉर्ट ऑन Poco, तो एक तरीके से ये लड़ रहे हैं आपस में। अगर मैं अपन इन दोनों की परफॉर्मेंस की बात करूं तो मैं पहले ही बता देता हूं चालू करने से पहले ही कि OnePlus 6 की परफॉर्मेंस अच्छी है। गालियां मत देना, लेकिन मेरी बात सुनो पहले अच्छी तरीके से, पूरी मेरी बात सुनो। देखो बात यह है कि दोनों के अंदर जो प्रोसेसर है वो 845 का प्रोसेसर आता है। दोनों के अंदर वेरिएंट्स जो है आपको 6GB वाला है और 8GB वाला वेरिएंट मिल जाएगा रैम के अंदर, और 256 और 128GB वाले वेरिएंट भी मिल जाएंगे आपको इंटरनल स्टोरेज के अंदर। बात यह है कि दोनों के दोनों पबजी जो फुल सेटिंग्स पर चला लेते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर अपन OnePlus और Poco 4 F1 को दोनों को साइड बाय साइड रख के चलाते हैं तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा मेन डिफरेंस आता है, और वो है इसकी UI का। Poco 4 F1 में MIUI आती है और OnePlus 6 के अंदर ऑक्सीजन OS आता है। ऑक्सीजन OS वाकई में बहुत ज़्यादा शानदार, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल भी जीरो, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम कस्टमाइजेशन के साथ, बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से बिल्कुल स्टॉक टू एंड्रॉयड फील देता है। मतलब वाकई में बहुत ज़्यादा सीमलेस पॉलिश्ड है इसकी UI, कहीं भी कोई भी हिकअप्स नहीं महसूस होते, कहीं भी कुछ भी महसूस नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा सीमलेस चलता है OnePlus 6। और बात करूँ मैं Poco 4 की तो इसके अंदर आती है MIUI, बहुत ज़्यादा हैवी कस्टमाइजेशन हैं, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स यूजलेस हैं, इनकार मत करना, लेकिन वाकई में मानना पड़ेगा कि जो ये है उस वो इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं चल पाता जितना OnePlus 6 चल लेता है। हालांकि Xiaomi ने इसके अंदर जो Poco लॉन्चर डाला है जो इसके अंदर MIUI के अंदर आया है वो हल्का सा उसको एंड्रॉयड जैसा फील देता है, क्योंकि इसके अंदर वही ड्रॉअर आती है, वहीं पर सब कुछ है, लेकिन ड्रॉअर के साथ साथ आप देख सकते हो कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट वगैरह उन सब के ऑप्शन भी आते हैं। तो फोकट ही हल्के से कुछ कुछ फीचर्स हैं जो हद से ज़्यादा भर रखे हैं, जो किसी काम नहीं आते, बस वो वहाँ पे हैं दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम यहाँ पे हैं, फीचर की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो वाकई में किसी भी काम नहीं आते सचमुच में। और OnePlus 6 इसमें ऐसा नहीं है, OnePlus 6 के अंदर जो फीचर्स काम आते हैं सिर्फ वही होते हैं, फोकट के अर्जी फर्जी फीचर्स इधर उधर के नहीं होते हैं, जो कि उसको और ज़्यादा शानदार बूस्टअप देते हैं, क्योंकि फोकट की स्टोरी नहीं खाते, फोकट की चीज़ें नहीं खाते, फोकट परेशान नहीं करते हुए बीच में आके बस वहाँ पे होते हैं और आप उनको यूज़ करते रहते हो, और वही फ़ोन को जो है एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा बना देते हैं। अगर मैं इसके फेस अनलॉक की बात करूँ तो Poco 4 F1 को मैं विनर मानूंगा, क्योंकि अनलॉक्स कर दोनों के दोनों जो है वो अंधेरे में अनलॉक कर देते हैं, लेकिन जो अपना OnePlus 6 है वो आगे वाले कैमरा का यूज़ करता है, ये कैमरा का यूज़ नहीं करता है, सिर्फ IR ब्लास्टर का यूज़ करता है, और यही वजह इसकी नॉच इतनी ज़्यादा बड़ी है। और IR ब्लास्टर यूज़ करने की वजह से ये अंधेरे में लॉक कर देता है, बिना स्क्रीन को लाइट अप करे स्क्रीन को लाइट अप कर देता है, जिससे मेरी आंखों में छुप जाता है। 100 बार बता चुका हूँ इस बात को, इसलिए बार बार दोहराना नहीं चाहूँगा। अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो मैंने गेमिंग रिव्यू के अंदर जैसे कि मेंशन करा था कि जो OnePlus 6 है वो बहुत ज़्यादा शानदार S2H, मतलब बहुत ज़्यादा सही इसका ऑप्टिमाइजेशन है एज़ कम्पेयर टू अपना Poco 4 जो गेम वगैरह है उसको थोड़ा सा क्रॉप करके चलाता है, इसके राउंडेड कॉर्नर्स की वजह से जो स्क्रीन है वो ढक जाती है, जो जो चीज़ें हैं जो एरो वाले बटन्स हैं, क्रॉस वाले बटन्स हैं कोने के अंदर, वो चीज़ें हल्की सी ढक जाती हैं, लेकिन OnePlus 6 सबको सही से दिखाता है, जो कि अच्छी बात है। मैं बात करूँ Poco 4 के कॉन्स की OnePlus 6 के आगे, तो वो यही है कि इसके अंदर कोई ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है कैमरे के अंदर, जो कि इसको थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा
मेन लीड नहीं दे पाता वन प्लस सिक्स के कैमरे के अंदर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है वो एक नंबर करता है वन प्लस सिक्स। इसका कैमरा वाकई में एवरेज है, आगे वाले की कैमरे की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर अपन बिल्कुल अच्छे से लाइटिंग की बात करें तो हल्का सा वन प्लस सिक्स बहुत ज़्यादा सही परफॉर्मेंस देता है कैमरे के अंदर भी। इसका जो नॉच है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है वन प्लस सिक्स के कंपैरिजन में, इसलिए नॉच के अंदर भी मैं वन प्लस सिक्स को विनर मानूंगा। तो पोको फोन X1 के अंदर और भी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स जो है वो HD में नहीं चलता है, जो कि पहले लोग बोल रहे थे कि ये हार्डवेयर प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन अब पोको फोन जो Xiaomi है वो क्लेम कर रहा है कि हम उसको सॉफ्टवेयर से पैच कर सकते हैं और वो दुनिया भर की चीज़ें। तो अभी वो चीज़ डाउट में है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेटफ्लिक्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी HD में चलने वाली, जो कि मैंने रिव्यू मेंशन करा था, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो स्क्रीन ब्लीडिंग है, कि उनकी जो स्क्रीन है नीचे की तरफ से हल्की सी लाइट लीक होती है, स्क्रीन ब्लीड होती है। तो मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने में नहीं मिली है मेरे पोको फोन F1 के अंदर, लेकिन अगर आपको देखने में मिली तो फिर कमेंट करके बताना मेरे को ज़रूर। तो कुल मिला के अब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फोन खरीदना है, आपको पोको फोन खरीदना, आपको वन प्लस खरीदना, अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो पोको फोन के लिए जा सकते हो, लेकिन आपका बजट अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, आपका बजट वन प्लस जितना पहुँच सकता है, तो पोको फोन लेने की मत सोचना, वन प्लस सिक्स ले लो। और अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हो तो अभी अपकमिंग फोन्स आने वाले हैं, अभी पिक्सल आने वाला है, अभी आईफोन्स आने वाले हैं, और हो सकता है ये वन प्लस सिक्स टी भी बहुत जल्दी मार्केट में हिट कर जाए, और मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि वन प्लस सिक्स टी पोको फोन से अच्छा होगा। मतलब वन प्लस सिक्स भी है, मैं ये नहीं बोला कि वन प्लस सिक्स पोको फोन से अच्छा नहीं है, लेकिन तब पोको फोन कॉम्पिटिशन में इतना नहीं रहेगा, और यही है बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था। होगा कोई अली वीडियो पसंद आई होगा, मैं कुछ भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूंगा कमेंट्स के अंदर। या आप कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट करना चाहते हो इन दोनों के दोनों फोन्स के ऊपर, तो फिर वो भी कमेंट में बता दो, मैं उस वाली वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा। एंड सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना भाइयों, लाइक करना इस वाली वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों से जो कि वन प्लस सिक्स और पोको फोन लेने में कन्फ्यूज हो रहे हैं। एंड दिस इज मिस्टर सैनी और भाइयों जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जाव शर्मा।